ज्ञान ध्यान किछु कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। ज्ञान ध्यान किछु कर्म न जाना, नाहिन निर्मल करनी, साध संगत के अंचल लावो, भिखम नदी जाए तरनी। साध संगत के अंचल लावो, भिखम नदी जाए तरनी। अज 16 मई, 3 जेठ है, 16 मई 2021 गुरु महाराज का जन्मदिन की पूर्व संध्या है। सब संगतां नूं पूर्व संध्या ते बहुत बहुत बधाई होवे। सच्चे पातशाह अगे अरदास है, बेनती है, सब संगतां नूं अपने चरणा दे नाल जोड़े, आओ सत्संग नाल जुड़िए। श्लोक महला दूजा, चाकर लगे चाकरी, नाले गर्ब वाद, चाकर लगे चाकरी, नाले गर्ब वाद। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी की बाणी है, ओदे च आसा दी वार दी जिहड़ी पौड़ी लिखनी है, पहला गुरु अंगद देव जी महाराज जी दे श्लोक हन, चाकर लगे चाकरी नाले गर्ब वाद। उस दे दर दा चाकर होना हर एक दे मन दी एक इच्छा है, एक कल्पना है, एक खुशी दा साधन है कि मैं उस दे दर दा चाकर बना। कहना बड़ा सुखाला है, सोचना बड़ा सुखाला है, लेकिन बनना बड़ा ही मुश्किल है। चाकर बन के चाकर ही रहना, ये बहुत औखा काम है। चाकर लगे चाकरी नाले गर्ब वाद, एक तो चाकरी कर रहा है, एक ओदे अंदर गर्व है, हंकार है, गल्लां करदा है कि मेरे नालों वड्डा सियाणा कोई नहीं। वो आके दरबार दे विच संतां नूं शिक्षा देण लग जांदा है। आम तौर पर देखा जाता है कि जिहड़े संत महात्मा हैं उन्हां कोल संगतां आउंदियां ने, आउंदिया सार अपने दुख तो रोने ही रोने है, ज्ञान गोष्ठ भी करन लग जांदियां ने। सच्चा पातशाह ये दुनिया इउं है, ये दुनिया इउं है, औखे सौखियां गल्लां जिहड़ियां उह करदे ने, मतलब है कि वो आप ही ज्ञान का भंडार बन के उन्हां दे सामने बैठ जांदे ने ते कहिंदे ने कि साडी गल सुणो। ते महाराज संत चुप कर जांदे, साधु ने की लैणा। कोई आउंदा दूरों ही उस दिन दीआं वधाईआं दिंदा तुरिआ आउंदा कि अज इह है, क्यों कि मैं जिहड़ा हाँ मैं ही वधाई देण दा अधिकारी हाँ, मैं ही खुशियां दा सागर हाँ। वह भाई जो संतां दे दरबार च पहुँच गए, साधु दे दरबार च पहुँच गए, तो जिहड़ा दिन दा सुनना है उस दिन दे बारे जो वचन होने हन वो बाणी चो होने हन। सब तो पहला असी वो वचन बाणी दे विचों सुनिए। संगत नू थोड़ा उत्साह चाहिए, संगत नू थोड़ा प्रेम चाहिए कि वो कदों समा आएगा कि असी उस महीने का नाम सुनांगे, उत्सुकता होनी चाहिए है। लेकिन असी वो सारा ही जिहड़ा स्वाद है वह गवा दिंदे हां, क्योंकि साडे अंदर गर्व है, गर्ववाद है, हंकार है। वह हंकार गुरु के दर विच कबूल नहीं, वह हंकार गुरु के दर विच चलदा नहीं, क्योंकि असी चाकर बने हुए हैं। चाकर है तो चाकरी ही रहनी चाहिए है, पर असी रहिंदे नहीं। असी चाकर कहाउणा चाहुंदे हां कि इह तां उहदा चाकर है, पर दिलों बनना नहीं चाहुंदे, क्योंकि साडा ज्ञान फुट फुट के पैंदा है।
कदे वेखो तो सही उस स्वाद दे अंदर आके उस रस दे अंदर आके कि वाकई मैं चाकर हाँ, फिर किन्ना आनंद आएगा, थोड़ा नहीं बेअंत आनंद आएगा। सो महाराज कहते ने जेड़ा चाकर चाकरी करता है, गुरु के दरबार की नौकरी करता है, चाकरी किसी राजे की नहीं करनी, चाकरी किसी व्यक्ति की नहीं करनी, चाकरी किसी पिंड के प्रधान की नहीं करनी, करनी है तो केवल गुरु दरबार की चाकरी करनी है, केवल संतों की चाकरी करनी है, साध संगत की चाकरी करनी है। उत्थे जाके उत्थे असी माण विखाने कि मैं चौधरी, मेरे नालों वड्डा तो कोई नहीं हो सकता, मेरी गल सुनो। उहदा रिजल्ट की हुंदा, सामने कोई नहीं बोलता, पिठ पिछे सारे ही उहदी निंदा जिहड़ी आ उह करदे हन, उह निंदा दा पात्र बन जांदा है। सो इस करके उह कहिंदे ने कि तू चाकर बन के रह, जे चाकरी करनी है अपने अंदर हंकार ना लै के आ। देखो असीं इतिहास नूं जदों फोलदे आ तां जलंधर जिले का रहन वाला एक भाई तीर्था सी, भाई तीर्था उन्हें अपने घर दरगाह बनाई हुई सी। सो वो मुसलम धर्म के नाल संबंध नहीं रखता सी, लेकिन मुसलमान धर्म का पुजारी जरूर सी। पीर की थान जड़ी है वह घर बनाई हुई सी, सरवर सखी का वो पुजारी सी, बड़ी पूजा करता हुंदा सी। ते उत्थे एक दिन उन्हें कुछ व्यक्तियों तो पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की उस्तत सुनी, उन्हां दी बहुत ही वड्याई सुनी। एक दिन दो दिन दो चार दिन लगातार वह सुनता रहा, उहदे मन च ख्याल आया ये किहड़े महात्मा ने, ये किहड़े महापुरश ने जिन्हां दा इन्ना उच्चा नाम है, जिन्हां दा इन्ना प्रभाव जिहड़ा इलाके दे विच होया है, मैं भी क्यों ना दर्शन करन जावां। मन च ख्याल आया, वह जिस वेले गया जलंधर तो चलिया गुरु के चरणों च पहुंचया, तो जाके उन्हें बेनती की, सच्चा पातशाह मैनू भी अपने चरणों के नाल ला लो, मैनू भी अपना दास बना लो, मैं जिवें थोड़ा हुक्म होएगा मैं थोड़ी चाकरी करन नू तैयार हाँ। चाकरी लफज क्या कि मैं चाकरी करन नू तैयार हाँ, मैनू रख लो अपनी शरण च। कहिंदे सज्जना गल ए है, तेरा नाँ की है? कहिंदे जी मेरा नाँ तीर्था है, तीर्था मेरा नाँ है। ओ, वैसे मैं मंझ कह के सारे बुलाते ने, मंझ कहा जाता मैं, तो कह लगे भी गल ये तू पूजा कि करता? कहता जी मैं सखी सरवर की पूजा करता हाँ। कहते ये तेन छड़ना पेगा, ये तेरा जरा पूजा है ये तेन छड़नी पेगी, उस तो बाद फिर तू इस दरबार च आ सकता, ये तो तेन ढाना पेगा, जे तू ढाएगा पीर तेरे ते दुखी हो जाएगा। वह सुनता रहा, वह कहना सच्चा पातशाह मैं तेरे दरबार च पहुंच गया, हूँ चाहे पीर मेरा गुस्सा होवे चाहे राजी होवे, मैं ओदा ए जड़ा दरगाह दा बनाया सारा टमटमा है ये मैं तोड़ देना है, ते तुसी मैनू अपनी शरण च रख लो। उन्हें गल मन ली, गुरु पातशाह की शर्त मन ली कि मैं इवें ही करांगा। तो वह उन्होंने शरण च लिया, बड़ा धीरज दिता, बड़ा प्यार किया, तो उन्होंने कुछ नाम उन्हें दे दिता कि इहदा सिमरन करया कर। कहिंदे एक गल है, हुण तैनू नाम मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन तेरा घर जिहड़ा है वह सब कुछ ढह जाएगा, तेरे डंगर पशु भी मर जाएंगे, तेरे परिवार च भी बड़ी कमजोरी आ जाएगी, ये सब कुछ तैनू सहना पएगा। कहिंदा कोई गल नहीं सच्चे पातशाह, जो तेरा हुक्म है मैं मन लवांगा। पहला उन्होंने गल कह दिती, फिर भी वो डरिया नहीं, क्योंकि संतां दे चरणां च बैठा सी। कहिंदा जो थोड़ा भाड़ा होएगा वो मैं मन लवांगा, मैनू किसी गल का डर नहीं। यह चाकरी जद घर गया बड़ा खुश कि संतां ने मैनू प्रवान कर लिया, मैनू अपनी शरण च रख लिया। होया कि दो चार दिन बीते, उन्हें जाके वो अपना सखी सरवर का जिहड़ा दरगाह सी ढा दित्ती। लोकी हैरान हो गए कि इहनू की हो गया, क्योंकि वह बड़ा मुखिया गिणिया जांदा सी पिंड दा, सारे लोग उहदा बड़ा सन्मान करदे सन कि यह बड़ा पुजारी है ये मुखिया है, जिवें भी वह कहिंदा सी उवें उहदी गल हुंदी सी। थोड़े दिनां च जदों उहने सखी सरवर का मंदिर जो बनाया सी, घरे दरगाह बनाई सी, उठा दित्ती, तां उहदे घर च थोड़ा बेरौनकी होनी शुरू हो गई, कोई डंगर पशु मरने शुरू हो गए, खेत जिहड़े सन वह सुक गए, घर दे विच अन्न धन की कमी हो गई,
माड़े तो माड़ा हाल जड़ा है वह हुंदा गया। एक दिन गुरु महाराज ने सोचा कि बड़े दिन हो गए तीर्था आया सी मेरे कोले, जरा वेखा तो सही उहदी हालत की है। उन्होंने एक चिट्ठी लिख के तीर्थे नूं भेजी कि उहनूं इह कहना, जिहड़ा चिट्ठी लैके गया सी व्यक्ति उहनूं समझाया कि उहनूं इह कहना जाके कि चिट्ठी फिर लैनी है, पहला 21 रुपये ये चिट्ठी का दर्शन दीदार देना है, यानी उहदा पहला पैसे देने ने फिर उहनूं चिट्ठी फड़ाउणी है। वह लै गया चिट्ठी। जिस वेले तीर्थे कोल पहुंचया, भाई मंझ कोल पहुंचया, उन्होंने कहा भी गुरु पातशाह ने तैनूं चिट्ठी भेजी है, तो पहला 21 रुपये दर्शन भेंट करके फिर चिट्ठी देनी है, ये उन्हों का हुक्म है। दर्शन भेटा 21 रुपये रखी उन्होंने। वो तीर्थ में चा चढ़ गया कि शुक्र है मेरे गुरु ने मैनू याद किया, मेरे सतगुरु ने मैनू याद किया। 21 रुपये की गल तो भुल ही गया, बड़ी वड्डी अमाउंट सी उस वेले 21 रुपये कितों देवे, उहदे कोल है ही कुछ नहीं सीगा। ते ओ कुछ गहने घर च पए सन, ते पत्नी कहन लगी तीर्थ नूं कि जाओ ये गहने वेच आओ, 21 रुपये दे तां होण गई, इन्हें एक गहने वेच के आपां चिट्ठी लै लैने आ ते फिर होर पैसे आ जाणगे, कोई गल नहीं। वो तीर्थे ने गहने लैके किसी जवाहर जवारी कोले गया, जौहरी कोले गया, उन्हें पैसे दिते 21 रुपये दे के उन्हें चिट्ठी लै ली। संतां ने अपना आशीर्वाद उहदे च भेजा होया सी, बड़ा खुश। दिन बीतते गए, कुछ समा लंघ गया, फिर एक दिन संतां दे मन च ख्याल आया कि मैं मंझ नूं याद तां करां, देखां की कहिंदा उह। फिर चिट्ठी भेजी, चिट्ठी दे विच उन्होंने लिख के भेजा कि फटाफट गुरु दरबार विच पहुंच जावे, उहदी सेवा दी अत्यंत लोड़ है। ओह चिट्ठी लैके व्यक्ति आया, वह कहने भी 21 रुपये दर्शन भेटा चाहिए है, फिर चिट्ठी तुहानू मिलेगी। हुण 21 रुपये कित्थों लियावे, वह जिहड़ा सोना सी वह भी वेच दिता, कोई कीमती चीज़ ही है नहीं घर दे विच जिहदे बदले 21 रुपये आ सकते होण। तां मंझ ने की किया, सोचा कि एक शाहूकार मेरी लड़की का रिश्ता मंगता सी कि जिन्ने पैसे कहेगा मैं तेनू दे दियांगा, मैनू तेरी कुड़ी का रिश्ता चाहिए, क्योंकि कुड़ी बहुत सोहनी सी, जवान सी, उदों अपनी उम्र के हिसाब का कोई विआह नहीं सी हुंदा, पैसे दे लालच नू कुड़ियां मुंडे विआह जांदे सन। तां उहनां ने सोचिया भाई तीर्थां ने कि कुड़ी का रिश्ता मंगण आया सी शहर का बड़ा चंगा व्यापारी, मैं क्यों ना उहदे कोल जावां, उन्हूं कहां कि तू मेरी कुड़ी का रिश्ता लै लै, इहदे बदले मैनूं 21 रुपये चाहिए है, मैनूं रिश्ता मंजूर है। हुण उह रिश्ता लैके जांदा है अपनी कुड़ी का, तो वह जिहड़ा सेठ सी उह मन जांदा है, कहिंदा 21 रुपये च मैनूं लड़की की शादी हो रही है, होर की चाहिए। उहने 21 रुपये लए तो वह आ गया, आके उसने दर्शनी भेटा 21 रुपये दे के चिट्ठी लई, तो उहदे च लिखिया सी भाई मंझ तू फटाफट गुरु दरबार दे विच पहुंच जा। बड़ा चा चढ़िया, समेत परिवार वह चिट्ठी लैके दरबार दे विच पहुंच गया, जाके गुरु महाराज नूं नमस्कार कीती, ते उन्होंने कहा भाई जिहड़ी भी सेवा तैथों बनती है ना इस गुरु दरबार दे विच वह सेवा कर लै, क्योंकि उत्थे भी जो इन्ना गरीब हो चुका सी कि पट्ठे लिया के घा लिया के खोद के वेच के फिर गुजारा करना शुरू कर दिता सी, जिहदे नाल सवेर शाम की रोटी वो बनती सी, ये काम दे विच परिपक्व हो चुका सी। तां उहने सोचिया मैं क्यों ना लंगर वास्ते लकड़ा लैके आवां। देखो किन्ने पुराने समय की गल है, भीलनी नूं भी जदों सेवा मिली सी राम दे दरबार दी, संतां दे दरबार दी, राम दे दरबार दी नहीं संतां दे दरबार दी, जदों सेवा मिली तां उहने इक्को ही काम कीता सी कि लकड़ा लिया के रात नूं 12 बजे सुटदी हुंदी सी कि मेरी सेवा सफल हो जाए, तां उहदी लकड़ बालन दे विच बलदी गई, रोटी पकदी गई, तो साधु कहन लगे कि बई मेरी सेवा रात नूं कौन चुरा के लै जांदा है। उन्होंने कहा भी लभो, जदों उन्होंने ढूंढिया तां रात नूं 12 बजे एक बिल्कुल अबला जिहड़ी ऐ साफ ना सुथरी मैले कुचैले कपड़िया वाली लकड़ा सुट के जाती है, तो उन्हों सेवका ने फड़ लिया ते पुछया तू ये की करदी है, कहिंदी मैं गुरु दरबार की सेवा करदी हाँ। कहिंदे इन्नी तेरा की रूप है, की रंग है, की तेरी सोच है,
सेवा किस भावना नाल करदी है? वो कहंदी सेवा सेवा दी खातर ही करदी है, भावना कोई नहीं, लेना कुछ नहीं, सिर्फ लक्कड़ लैके आनी है ताकि गुरु का लंगर जिहड़ा है वो चल सके। इहो जी भावना पहला भीलणी दे विच भी आई सी। तो इस तरह भाई तीर्था जी कहन लगे कि मैं लकड़ां दी सेवा करांगा, क्योंकि उस वेले सुक्की लकड़ मिलनी बड़ी औखा हुंदा सी, लकड़ आम नहीं सी हुंदी, वो कुछ लकड़ां पहला वढ़ के आउंदा सी, फिर वो सुक जांदियां सी, फिर लियाउंदा सी। इस तरह तीर्था लकड़ां दे काम दे विच लग गया, सेवा दे विच लग गया। तां उसने लकड़ां लियांदियां, सिर ते गठा चुकिया, रोज लियाया करे लकड़ां, रोज लियाया करे रख के दरबार दे विच, लंगर दे विच लकड़ां। उस तो बाद लंगर वगैरह बनता सी, लंगर छक के प्रसन्न चित हो के रात नूं सौं जाया करे। एक दिन गुरु महाराज पुछदे ने संगतां नूं वी भाई वो भाई मंझ जिहड़ा वो चला गया कि इत्थे ही है? कहिंदे महाराज इत्थे ही है। कहिंदे सेवा की करदा? कहिंदे लकड़ां दी सेवा करदा है, लकड़ां लै के आउंदा है लंगर दे विच। फिर कहिंदे रोटी कित्थों खांदा? कहिंदे महाराज लंगर चों। कहिंदे फिर करदा की है ओह? जदों सेवा करके लंगर चों फुलका छक लिया उहने तां उह तां बराबर हो गया, सेवा तां गई, सेवा तां लंगर च लग चुकी है कि जो सेवा कीती उहने खा लिया, उहने पी लिया, बस उह तां बराबर हो गई। किहड़ी सेवा किहड़ा करदा है? उह सेवा तां लंगर ही खा जांदा। उह गल हौली हौली तीर्थे कोल पहुँच गई कि संत इउं कहिंदे ने कि भाई उह सेवा जिहड़ी है सेवा नहीं, वह सेवा तो मजदूरी तेरी है, वह व्यापार हो गया, लकड़ा लियांदियां रोटी खा ली, बस ये तो मजदूरी करता। वह उन्होंने बड़ी गल मन लगी कि गल तो ठीक है। वह फिर लकड़ा लियाया करे, कुछ लकड़ा उत्थे दे के लंगर दे विच, बाकी लकड़ा बाजार विच वेच के उहदी फिर वह रोटी खाया करे। वह इस तरह लंगर दे विचों प्रसादा छकना उन्हें बंद कर दिता कि मेरी मजदूरी इस तरह महाराज ने फिक्स की हुई है, इस तरह लगाई हुई है, तो मैं किवें वो काम तो मुख मोड़ सकदा। तो फिर वो इस तरह लकड़ा लिया के इस तरह मजदूरी करया करे, संतां नूं फिर पता लग गया कि इस तरह हुण काम करन लग गया। वो उन्होंने फिर कुछ नहीं किया। एक दिन की होया, लकड़ा लैके आ रहा सी, बड़ा हनेरी मीह तूफान आया, उधरों गुरु महाराज सत्संग दे रहे सन, पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सत्संग दे रहे सन, उधरों हनेरी मीह चल पिया बहुत जबरदस्त जोर दा। ते भाई तीर्था जिहड़ा सी ओ लकड़ां दा गठा चक्या होया, हनेरी इन्नी जबरदस्त सी कि उन्हूं उड़ा के लै गई, तो एक वह सुके खूह दे विच जिहदे च थोड़ा जिहा बारिश का पानी भरिया होया सी उहदे च डेग दिता। हुण लकड़ां दे समेत भाई मंझ जिहड़ा है उत्थे डिग पिया। हुण उह पुकार रहा है, सच्चा पातशाह मेरी लाज बचाओ, सच्चा पातशाह मैनू बचाओ। जदों बंदा औखा बदो बदी निकल जांदा उहदे मूँह। तो सत्संग करते हुए संत जड़े उन्होंने कहा लियाओ बाल्टियाँ, लियाओ रस्से, लियाओ बाल्टियाँ। एक ही जड़ी गूंज सी उत्थे सुनाई दित्ती, सब संगतां बाल्टियाँ रस्से लैके दौड़ पियाँ कि संतां ने पता नहीं अज की सेवा चलाउणा है। सो जदों उत्थे पहुँचे उस खूह दे कोले, ते भाई मंझ लकड़ां दे समेत उत्थे खड़ा सी। उन्होंने कहा भाई मंझ चल आ रस्से नूं फड़ के बाहर आ जा, लकड़ां सुट दे। सच्चा पातशाह लकड़ा नहीं सुटांगा, पहला लकड़ा बाहर आउणगियां फिर मैं आवांगा, मेरी सेवा निसफल चली जाएगी, सेवा मेरी व्यर्थ चली जाएगी। उन्होंने पहला लकड़ा फड़ियां बन के दित्तियां, फिर बाद च आप उस रस्से नूं पकड़ के बाहर आया, ते थोड़ा लकड़ा वज के उहदे शरीर दे विच लहू निकल आया सी, शरीर रंगया गया सी बल्कि लहू नाल। तां गुरु पातशाह ने वह चिक्कड़ च लिबे लिबड़े हुए नूं, लहू नाल लिबड़े हुए नूं छाती नाल ला लिया। आ भाई मंझ तूं कमाल ही कर दित्ती है, सिख होवे तां इहो जिहा होवे। तां उह कुछ नहीं बोलिया, वह कहन लग्या सच्चे पातशाह मैनू आपदी शरण दिओ, बस अपनी शरण तो दूर नहीं करना, जो कुछ होना सी तुहाडे हुक्म दे नाल होया। वह कहन लगे भाई मंझ ये तेरा इम्तिहान सी, तू पास हो गया। सच्चा पातशाह मेरा इम्तिहान तो हो गया,
उन्होंने कहा जो मंगना सो मंग। कहना मेरा इम्तिहान तो हो गया, मैं अपने इम्तिहान विच सफल होया जा ना होया तुहानू पता है, पर किसी सिख का इम्तिहान ना लेना, क्योंकि आने वाले समय से इहो जे इम्तिहान विच जे कोई पाओगे तो कोई व्यक्ति पूरा नहीं उतरेगा, वो फेल हो जाएगा। सो उन्हें मंग मंगी कि इस तरह किसी भी सिख का इम्तिहान नहीं लेना। सो इस तरह चाकरी है, चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद। एक तो चाकरी कर रहा है नाले वो गल्लां कर रहा, भांत भांत दियां गल्लां कर रहे हो, कहिंदे मेरी गल सुनो, कोई ज्ञान दी कोई ध्यान दी कोई गल जे करनी है तो संतां ने मुखारबिंद तो सुनो, घरों भी आए कम भी छड्या समा भी खराब किया तो आके संतां नूं सुनाउण ही लग गए असी तो की खटिया, साडा गर्भ जिहड़ा है वह बोलता है। गल्लां करे कनेरियां खसम न पाए साद। एहो जे चाकर गल्लां बहुत करदा है, बेअंत गल्लां करदा है, पर वो खसम दा स्वाद चख नहीं सकदा। खसम दे कोले आया है, प्रीतम दे कोले आया है, सतगुर दे चरणा च आया है, उहदा रस जिहड़ा है वह लै नहीं सकता, क्योंकि वह तो गवाया आया आपदियां गल्लां च। सो महाराज कहिंदे ने जे तू सतगुर दी शरण च जाना है, चाकर बन के जाना है, तो चाकर ही बनिया रह, उत्थे जा के जबान ना खोल बोल ना। जबान जिहड़ी है ये मालक दे नाम नूं जपदी है ता ए मालक दा रस लैंदी है, ये जबान जड़ी है जे माड़े कर्म करती है ता माड़ा कर्म लैंदी। देखो अज संसार ते निंदा दा जोर चल रहा है, निंदा की है कि दूसरे दी खुशी नू ना देख सकना, दूसरे दी उस्तत नू ना सुन सकना, वो निंदा है। दूसरे अपनी उस्तत सुनी जाओ वह बड़ी चंगी लगती है, हर व्यक्ति निंदा ते उस्तत दा अधिकारी बनया होया, क्योंकि जिहड़ा अपनी उस्तत सुनता है ओ बहुत चंगा लगता है, जिहड़ा दूजे की उस्तत सुनदा वह निंदा बन जाती है, वह उहदे च बोलदा कि यह गल नहीं होनी चाहिए। सो गुरु जिहड़े साडे होए हन महापुरश होए हन उन्होंने सानू निंदा तो विवर्जित किया है कि निंदा के घेरे च नहीं आना, निंदा तो दूर रहना है। कबीर साहब ने कहा निंदा बाप निंदा महतारी, मेरी निंदा जिहड़ी है यह मेरा बाप है मेरी माँ है। देखो माँ संसार ते है तो बच्चा स्वर्ग भोगदा है बहुत खुश है, बाप है सिर ते तो उदू बड़ा बादशाह उहदे लई कोई नहीं, क्योंकि जो मूँह चो गल करेगा माँ ते बाप ने पूरी कर देनी है। रब ना करे किसी की माँ चली जाती है तो उहनू कहिंदे माँ महिटर है, ये माँ तो रहत है, बाप चला गया वह यतीम हो जाता है, तो वो माँ तो बाप नहीं तो दुनिया जी गल्लां करती है। तो कबीर साहब कहते हैं निंदा बाप निंदा महतारी, निंदा मेरा बाप है निंदा मेरी माँ है। फिर कबीर साहब ने निंदक नूं प्यो ते माँ क्यों कहा, जे निंदक एडा माड़ा है उन्हूं माँ क्यों बनाया। सोचण दी गल है कि माँ का किरदार की है, माँ का किरदार है बच्चे का गंद मल मूत्र धोना, जिन्ना छोटा है उन्ना ज़्यादा मल मूत्र माँ नूं धोना पैंदा है, जदों थोड़ा समझ आउंदी जांदी है वह दसन लग जांदा है, थोड़ा उहदा बोझ हल्का हो जांदा है। माँ ने उहदा हत्थां नाल पाणी नाल साबन नाल उहदा मल मूत्र धो देना है, उहनूं स्वच्छ बना देना है, फिर उहनूं कोई चक लवे। लेकिन निंदक ने जबान नाल जीभ नाल उहदा मल मूत्र धोना है, किड्डा वड्डा दर्जा है कि उस निंदक ने माँ दे रूप च जिस व्यक्ति की निंदा करी जा रहा हो अपनी जीभ दे नाल उहदा मल मूत्र धो देना है, उहनू स्वच्छ बना देना है। भई हत्थां नाल धोना तो बड़ा सुखाला है पर जीभ नाल धोना बड़ा मुश्किल है, इस करके संतां ने उहनू अपनी माँ दे समान समझा है कि निंदा बाप निंदा महतारी। ये गल्लां जबान करती है, ये गल्लां करती है निंदा दियां, ये गल्लां करती है दूसरे नू छोटा दिखाउण दियां, कदे दूसरे की उस्तत ने करनी नहीं। इस करके गल्लां जिहड़ियां ने उन्हां तों अपने आप नू विवर्जित करना है जे गुरु दरबार दे विच अपनी पहुँच बनाउणी है। आप गवाए सेवा करे ता कछु पाए मान।
मान मिलता है, गुरु दरबार दे विच भी मिलता है। ये नहीं कि उत्थे सिर्फ जुत्तियां पैंदियां, उत्थे भी सन्मान मिलता है, साध संगत सन्मान करती है, पर कदों करती है, आप गवाए, अपना आप गवा दे, आप गवाइए ता शौ पाइए, और कैसी चतुराई। एक सुहागन दुहागन नूं कहिंदी, उह कहिंदी तैनूं तू किवें प्रीतम दे नाल मिली, उह कहिंदी आप गवाई है ता शौ पाई है, और कैसी चतुराई। जदों मैं मेरी खत्म हो जाएगी, आपां गवा देंगी, उदों प्रीतम मेरा हो जाएगा, होर कोई चतुराई नहीं, होर कोई सियाणप मेरी काम नहीं करदी। फिर कहते मान मिलता है जे अपना आप गवा लवांगे। नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा सो परवान। फिर जेड़े चरणा दे नाल लग गया, जिस महापुरुष की संगत दे भी चला गया, वो इनू मिल जाएगा, उदी प्राप्ति हो जाएगी, वो लगा प्रवान हो जाएगा। क्यों? इन्हें सारिया माड़िया गल्लां छड्ड दित्तियां, मैं मेरी छड्ड दित्ती। जदों अंदर हंकार भरिया होया है, अंदर मैं भरी हुई है, जे दर ते खड़ भी गए तो दुनिया नूं ये कह रहे हैं कि मेरे नालों वड्डा सेवक कोई नहीं, मैं सेवकां दा सेवक हाँ, मैं मेरे नालों वड्डा कोई सेवक नहीं। तो महाराज उस वेले ऐसा सबक सिखाते हैं, पुट्ठा टेक देंदे आ कि जा तेरे अर्गे सेवक, तू तो कि बड़े बड़े सेवक इत्थों चले गए, इत्थे तां ओह आएगा जिन्हों अपने आप की सोझी नहीं, जिन्हों अपने आप का पता ही नहीं मैं कौन हाँ, वह गुरु दरबार की सेवा कर सकता है। जिन्हों झिड़का पै रही है सत बचन है, जिन्हों प्यार मिल रहा है सत बचन है, जिन्हों खाना मिल रहा है सत बचन है। क्योंकि कोई कोई व्यक्ति एक राजे दे कोल एक बंदा चला गया, तो राजे नूं कहन लग्या, हे बादशाह सलामत, मैं तेरे दर दा चाकर रहन वास्ते आया हाँ, मैनू रख लो। राजा कहन लग्या भी जवान तेरा नाँ की है? वो कहिंदा मेरा नाँ की होना, जिस नाम नाल तुसी मैनू बुला लाओगे उही मेरा नाँ है, थोड़े वास्ते मेरा कोई नाँ नहीं, जिस नाँ नाल मैनू तुसी बुला लोगे उही मेरा नाँ है। राजा बड़ा प्रभावित होया, फिर उन्हें कहा भी सज्जना तू खांदा की है? कहिंदे जो मैनू दे दोगे मैं खा लवांगा, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। बड़ा हैरान राजा, फिर उन्हें पूछा तू पहनदा की है? कहिंदा जो मैनू वस्त्र दे दोगे पतला मोटा उही मैं पा लवांगा, मेरी कोई इच्छा नहीं है। फिर वो कहन लगे तू सौंदा कित्थे है? कहिंदे महाराज मैं सौना कित्थे है? जिथे मैनू तुसी इशारा कर दोगे उत्थे मैं जाके सौ लवांगा, जे कह दोगे सौ जा तो सौ लवांगा, जे कह दोगे जाग के रात कट ला तो मैं जाग के कट लवांगा, मेरी मर्जी कोई नहीं, मैं केवल तुहाडा सेवक बन के आया हाँ, जो हुक्म होएगा सो प्रवान होएगा। उस वेले राजे ने अपने परिवार नूं सद्या, राणियां नूं सद्या, बाल बच्चों नूं सद्या कि बई ये बच्चा सेवक बन के आया है, मेरे घर दे विच नौकर बन के आया है, पर इहदे गुणां नूं वेख के, इहदी भाषा नूं वेख के ये अपने परिवार का मैंबर है, अज तो इहनूं अपने परिवार का मैंबर समझना है, कोई दे सेवक या चाकर नहीं। क्यों? जबान नाल उन्हें आप राजे नूं खरीद लिया कि मेरी कोई इच्छा ही नहीं, तू त्याग तो सही अपना आप, सब कुछ छड़ दे, फिर देख मालक तेरे नाल किवें हो जांदा है। एक दृष्टांत है राजे दा, राजा कौन है? अकाल पुरख है। उहदे सामने कदे सब कुछ त्याग के तां वेख, इक्को ही गल है जिहड़ी परमात्मा नूं मिलन तक लै जांदी है, वह है त्याग। त्यागी शरण पावै, जिहड़ा त्यागी है उहनूं शरण मिलदी है, होर कोई नौ प्रकार की भगती है उहनां नूं नहीं मिलदी। काट ना कि नहीं कहाया सब कहते हैं पाया, कोई जल चढ़ा के आउंदा वह कहिंदा मैं परमेश्वर नूं पा लिया, कोई फुल्लां दी माला पा के आउंदा पत्थर की मूर्ति ते वह कहिंदा मैं परमेश्वर नूं पा लिया, पाया किसी ने भी नहीं। कोई जोत जगा के आउंदा वह कहिंदा मैं पाया आ। काट ना कि नहीं कहाया किसी ने घट नहीं कहाया, सब कहते हैं पाया, लेकिन पाया किने है? केवल त्यागी ने, जिन्हें सब कुछ त्याग दिता उहदा हुक्म मनन वास्ते मजबूर हो गया, उसे ने परमात्मा नूं पाया है। जो जिया होए सो उगवे मुका कहया
जो थोड़े दिल दे विच बीज लिया तुसी, ए दिल मन जड़ा है एक धरती है, एदे विच जो बीज पाता वह उगेगा। तुसी एक मटकी जहर दी भरी हुई ले जा रहे हो, टूटी उन्हों लगी है, तो जबान तो कह रहे हो मूँह का कहया वाओ, जो मूँह दे विचों निकल रहा है झूठ कह रहे हो, वह व्यर्थ है। झूठ बोल रहे हो कि इहदे च अमृत है, मटकी दे विच है जहर, है शराब भरी हुई। लोगों नूं कहिंदे हो कि इह तां अमृत दा भरिया होया, वह कितने टूटी खुलेगी, हाथ लगेगा, छलकेगी, पता लग जाएगा शराब है। जो बीजा है उही उगेगा। जबान नाल झूठ कह के, जबान नाल उसनू चंगा कह के माड़ा बीजा है, चंगा कह के कदे थानू मिलना नहीं, क्योंकि मिलना तो उही है जो तुसी बीजा है, उही वड़ना पएगा। सो कदे भी माड़ा बीज ना बीओ जिहड़ा सानू कटना पवे। एक गल बहुत कीमती है संतां ने कही हुई कि जिहड़ी चीज़ तुसी बीज दे हो ओ हज़ार गुणा डेढ़ हज़ार गुणा वध के बाहर नू निकलदी है। एक दाणा बीजा वो एक दाने का एक सिट्टा बन के एक दाणा बाहर नहीं आता, उहदे च हज़ारा दाने होर आ जाते हैं। किसी चो हज़ार निकलेगा, किसी चो 1500 निकलेगा, किसी चो 2000 भी निकलेगा। मतलब कि जो तुसी बीजा है वह हज़ार 2000 गुणा वध हो के तुहाडे वल आउंदा है। जे तुसी किसी नू मंदा बोलता वह बीजा गया, माड़ा बोल दिता वह बीजा गया, हज़ार 2000 गुणा वध आके थोड़े मन नू चोट पहुँचाएगा, शांति तुहानू भी मिलेगी नहीं। कदे बोल के देख लो, चार गाला कढ के देख लो, कदे थानू शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वह जिहड़ा बीजा होया बीज है वह दुगुणा 2000 गुणा होके वापस थोड़े ते आ रहा। एक गेंद नू कंध ते बुड़का के मारो तुसी, वापस आएगी उन्ने जोर नाल जिन्ने नाल तुसी मारी, थोड़ी हिक जाके वजन की कोशिश करेगी जे तुसी नहीं फड़ोगे। तो जैसा भी कर्म करोगे वैसा कर्म उही वापस आएगा। वो जे चंगा कीता है साढ़े मन नू चंगा मिलेगा, जे माड़ा हो गया तो साढ़े मन नू माड़ा असर पाएगा, चंगा नहीं हो सकता। मूँह नाल कहन नाल असी चंगे नहीं बन सकते कि मैं तो यों कीता है। अंदर जहर रिझी जाती है, अंदर मांस मीट रिझी जाता है, बाहर आके तुसी कहने हो कि साढ़े घर तो अज आ चीज़ बहुत वधिया खीर बनी हुई है या प्रसाद बनया होया, वो बई इन्ना जिहड़ा मूँह दा कहा होया उहदी स्मैल ने दस देना अंदर की बनी जाता, उहदी खुशबू स्मैल बदबू जो भी आ रहा उहने दस देना कि अंदर की बनी जाता है, फिर तेरा मूँह दे कहन नाल कोई गल बनती नहीं। सो इस करके तू वह काम कर जिहड़ा शुभ होवे, चंगा होवे। जे तू अपने मन नू शांति लोचदा है, जे अपने मन की शांति लभदा है, तो दूजे नू शांति दे। जिन्ना चिर दूजे नू शांति नहीं देंगा तैनू शांति नहीं आनी। बीजे बिख मंगे अमृत, वेखो ए हो नया। बीजी तो विष है, पता है इनू, जान बुझ के कर रहे है। मन जानत सब बात, जानत ही औगन करे, काहे की कुसलात हाथ दीप कुए परे। कबीर साहब कहते ने, कबीर मन जानत सब बात, ये मन नू सब कुछ पता है, ये ज्ञानी है, ध्यानी है, ब्रह्म लोक दे विचों आया होया, नू सब पता है। जानत ही औगन करे, जानदा होया ही गलत काम कर जाता है। काहे की कुसलात हाथ दीप कुए परे, हाथ दे विच दीपक लैके जे खूह च डिगदा है तो कितों कुशलता हो सकती है, क्योंकि अखां खुलियां ने, हाथ च दीपक है। जे उन्हों कोई कहिंदा है ना कि तेरे हाथ च बई दीपक है, आ मूहरे खूह आ गया, तेनू पता नहीं लगता, वो गल पै जाएगा, मैनू दिसदा नहीं। जे कोई अन्ना जा रहा उहदे हाथ च दीपक है, भी मैनू कोई होर देख के दस दूगा, उहनू असी कह देंगे भाई इधर खूह आ गया, तू हुण परले पासे हो जा। अन्ना खुश हो जाएगा कि हाँ मैनू ठीक मार्ग ते पाया। सुजाखा खुश नहीं होएगा, हालांकि वह बेध्याना तुरिया आंदा, वो डिग भी सकता, वो डिग भी सकता उहदे च, कोई नहीं है जरूरी गल। बाबा फरीद जी एक बार जा रहे सन, बेध्यान हो गए, वह बेध्यान हो गए कि मैनू मालक नाल मैं इन्ना प्रेम करदा, मैनू दर्शन नहीं हुंदा, इस तरह दीआं गल्लां आ गईआं। तो सामने एक
औरत जिहड़ी है वह गोहे का बठल लैके तुरी आ रही सी, घर दे विच कोई काम होना उहनू, वह कदे इधर हो रहे सी बाबा फरीद कदे उधर हो रहे सी, वह कहिंदी फरीद तू देख के तुर, तू देख के तुर, कदे तू इधर हुन्ना कदे उधर हुन्ना, एक मन हो के तुर, मन नू सीधा कर लै, इस तरह ना तुर किते डिग पएगा। उस वेले उन्हें अपने मन में समझाया कि मेरे तो बड़ा गलत काम हो गया सी, ये मन में समझाना ही जरूरी है, यही अज तक मैं समझाया नहीं। सो इस करके जे अमृत पीना है, अमृत खाना है, तो अमृत ही बीजो, जे विष बीजोंगे तो विष ही हाथ चाहेगी। नाल आने दोस्ती कदे नावे रास। महाराज दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव जी फरमाउंदे हन, नाल आने दोस्ती कदे ना आवे रास। आना एक तो उम्र का छोटा असी उहनू न्याणा कह दिंदे आ कि इहदे नाल साडी दोस्ती कादी है, क्योंकि जिहड़ी गल असी समझावांगे इहनू समझ नहीं आउणी। एक न्याणा वह है जिहदी मत थोड़ी है, अग्ञानी है, एक तो ग्ञानी है समझदा है गल नूं, एक अग्ञानी है। वह कहिंदे हन कि जिहड़ा अग्ञानी व्यक्ति है उहदे नाल तेरी दोस्ती कदे रास नहीं आ सकती, उहदे नाल कीती हुई दोस्ती जिहड़ी है कदे काम नहीं आ सकती, तू धोखा खाएगा, क्योंकि अग्ञानी ने ग्ञानी की गल मननी नहीं, ज्ञानी ने गल ज्ञान की करनी है, अग्ञानी ने संसार की करनी है, उन्हें निरंकार की गल करनी है, उन्हें संसार की गल करनी है। दोनों गल्लां च वक्फा बहुत है, दूरी बहुत है, निरंकार ते संसार च फर्क बहुत है। इस करके वो रास नहीं आ सकती, वो कदे भी फलदी फुलदी नहीं। असी इतिहास पढ़ते हाँ, पता लगता है सानू गुरु अंगद देव जी महाराज खडूर साहब दे विच विराजमान सन। उस वेले की होया कि मीह अगाऊ पै गए, पहले ही मीह पै गए, तो जदों मीहां दा वेला सी उदों मीह ना पए, उदों सोका पै गया। पहला तो लोग बड़े खुश सन, फिर वो कहन भी एक बारी मीह पै गया साड़ी फसल चंगी होगी, शुरू होगी, शुरुआत बड़ी वधिया होगी, पर हुण मीह नहीं पै रहा। तो उन्होंने गुरु साहब अगे बेनती की, सच्चे पातशाह कोई कृपा करो, दया मेहर करो, साडे खेतां च मीह आ जावे, फसलां सुक्की जांदियां, पशु चारे वल्लों बैठे है, अन्न दाणा नहीं होएगा, परिवार भुखे रह जाणगे, की करांगे। वो कहिंदे सज्जनों गल ये है कि बारिश जिहड़ी है परमात्मा की दित्ती दात है, जदों उहदा दिल करेगा पै जाएगा, आपां उहदा भाणा मनना है, आपां होर कुछ नहीं कर सकते। ते तुसीं जिन्ना मर्जी उठ उठ के कोठियां ते आ के देखी जाओ, हो बदल आ गया, हो बदल आ गया, इस तरह बारिश नहीं होनी। तो महाराज ने बाणी च भी लिखा है, क्या उठ उठ देखै बपुड़े, इस मेघे हाथ कछु नाहे, जिन एह मेघ पठाया, तिस राखो मन माहे। जिन्हें बदल भेजने हैं उन्हें याद करो, मेरे को कुछ नहीं। कुछ व्यक्ति कहन लगे कि इत्थे एक तपा भी रहिंदा, तपा वह भी कहिंदे मीह मूह पवा दिंदा, उत्थे गए हो कुछ बंदे विच्चों, तपे नूं बेनती करन लगे भी तुसी साडे पिंड च रहने हो, असी थोड़ी बड़ी अन्न पानी की सेवा करते हाँ, बस्त्र की सेवा करते हाँ, रहन वास्ते टिकाणा भी दिता है, दया मेहर करो, तुसी इत्थे बारिश जिहड़ी है नहीं होई, कृपा करो तो साडे पिंड च बारिश हो जाए। वो तपे नूं ईरखा सी गुरु अंगद देव जी नाल, वो कहन लगे बई वो जिहड़ा खत्री तुसी बिठा रखिया ना, इवें बड़ा रुखा बोलिया, वो जिहड़ा खत्री तुसी बिठा रखिया ना, मीह वह नहीं पवाउण दिंदा, इस करके मालक नाराज़ है कि तुसी उहनूं एक गृहस्थी नूं पूजा वास्ते बिठाया होया है, उहदी पूजा हो रही है, मीह कित्थों पैणा, उहनूं पिंडों बाहर कढो फिर देखो मीह पैंदा कि नहीं पैंदा। हुण उह लोकां नूं थोड़ा औखा भी लग्गिया भी वह भी साडे गुरु देव ने, असीं उहनां नूं बाहर किवें कढ दिंदे आ, कढ सकदे आ। एक दिन गया, दो दिन गए, फिर तपे कोल गए, वह कहिंदे मैं तुहानूं कहा सी इहनूं पिंडों बाहर कढो जे तुसीं बारिश पवाउणी आ, इदां बारिश नहीं होएगी। तां कुछ व्यक्ति थोड़ा मन गए, वह कहिंदे फिर ना बारिश होई तां मैं जिम्मेवार हाँ, उहनें अपना ठोक बजा के ये गल कह दित्ती। तां लोकां ने सोचा कि चलो असीं
गुरु अंगद देव जी नूं बाहर कर दिंदे आ। उन्हां ने जाके बेनती की, वो थोड़ा जिहा रुखा भी बोलन वाले विच सन, वो कहन लगे भी इन्ना औखा होण दी कोई लोड़ नहीं, चलो असीं बाहर चले जाने कोई गल नहीं। उन्होंने अपने सेवकां नूं कहा कि जो मेरा समान है वह चक्कण की कोशिश नहीं करनी, चलो आप चलते हाँ। वह खान रजादा पिंड नेड़े ही है खडूर साहब दे, उत्थे जा के दरख्तों के थले एक पलंग उन्हां दे सेवादार लै गए, उत्थे जा के बैठ गए। उत्थे खान रजादा पिंड दे लोग जिहड़े सन उत्थे आए, उन्हां नूं थोड़ा बहुत प्रशादा वगैरह भी भेंट किया। चलो जिवें भी होया उन्होंने तीन चार दिन उत्थे कढ़ लए बाहर। तो उस वेले श्री गुरु अमरदास जी महाराज गोइंदवाल साहब तो चले हुए सन, तो उत्थे आ के उन्होंने देखिया खडूर साहब, क्योंकि गुरुदेव सन, गुरुदेव के दरवाजे ते आए सन। वह उन्होंने वेख्या कि मेरे गुरु कित्थे चले गए, इत्थे रौनक ही है नहीं, कोई सेवादार ही है नहीं, चुपचाप ही होई पई है, कारण की है? उन्होंने ढूंढिया, किसी ने दसिया कि गुरु अंगद देव जी महाराज खान रजादा पिंड की जूह च बैठे आ जाके दरख्तों के थले। कहिंदे क्यों भई कारण? कहिंदे आ तपा है इत्थे, इन्हें कहा इनू पिंडों बाहर कर दिओ, फिर मीह पएगा। पर गुरु अमरदास जी नूं कहन लगे, बाबा जी मीह तां अजे भी नहीं पिया, क्योंकि उम्र के व्डे सन, वह मीह तां अजे भी नहीं पिया। उन्होंने गया नूं भी चार दिन हो गए, वह आप गए तपे कोले। उन्होंने कहा कि तपे तू मीह पवाना है कि नहीं पवाना? तपे कोल कोई जवाब नहीं सी, वह कहिंदा भी पै जूगा, अज पै जूगा, कल नूं पै जूगा, अज कल करन लग गया। तो उन्होंने गुरु अमरदास जी नूं बड़ा गुस्सा आया कि मेरे गुरु का इन्ना निरादर कि पिंडों बाहर कर दिता, साधु नूं बाहां फड़ के बाहर कर दिओ, साधु गुस्सा नहीं करता। साधु कौन है जिन्हें अपने मन नूं साध लिया, भावें वह गृहस्थी है। जिहड़ा बंदा अपने मन नूं साध के बैठा है, उहनूं तुसीं बाहां फड़ फड़ के भी बाहर कर दिओ कि निकल साडे घरों, निकल साडे पिंडों, उहदी सेहत ते कोई असर नहीं हुंदा। उह कहिंदा तूं औखा ना हो, मैं निकल जाना, कोई गल नहीं। तां गुरु अमरदास जी नूं बड़ा दुख होया। उन्होंने संगतां नूं कहा कि भई जे तुसीं मीह चाहुंदे हो, एक मेरी गल मन्नोगे? कहिंदे हाँ जरूर मन्नांगे। कहिंदे मीह हुणे पै जाएगा, शाम का वेला सूरज ढलन ते सी, घंटा दो घंटे बाकी सन, सारा दिन निकल चुकिया सी। उह कहिंदे भी सूरज छिपन तक इस तपे नूं जिहड़ा जिहड़ा आपदे खेत च लै जाएगा, उत्थे मोहलेधार मीह पएगा, बहुत मीह पै जाएगा, जिहड़ा रह गया खेत सो रह गया, ये हुण तुहाडी हिम्मत है किहड़ा इहनूं अपने खेत च लिजा सकदा। वह सारे लोग जिहड़े सन उहनां दीआं लत्तां बाहां फड़ के खिंचण लग गए, काली तो काली, क्योंकि सूरज छिपन वाला सी कि पहला पहला जे असीं इहनूं लै जाइए तां साडा बेड़ा पार हो जाएगा, मीह पै जाएगा। वह फड़ के लै गए, हुण वह लत्तां खिंच रहे है, कोई बाहां खिंच रहा, कोई मोढे खिंच रहा, गल की खेत भी काफ़ी वड्डे हुंदे आ, खिंचद्या खिचाउंदिया किसी ने उहदी बाह कढ दित्ती, किसी ने लत्त कढ दित्ती, मतलब करदे कराउंदे। जिहड़े खेत दे विचों जांदा रहा तपा, उत्थे बारिश दी निहायत बारिश होई, बहुत बेअंत बारिश होई, ते लोग बड़े खुश। अखीर वह मर गया, खिच खिचाई दे विचों मर गया, खत्म हो गया। तो गुरु अमरदास जी महाराज उन्हां कोल जांदे ने गुरु अंगद देव जी कोल कि मैं दर्शन करके आवां, जो होना सी वह तो हो गया, पर बारिश पै गई। जिस वेले गुरु महाराज जी उन्हां दे दरबार सामने गए, गुरु अंगद देव जी दे उन्हां ने मूँह फेर लिया, पिठ भवा ली, और दूजे पासे मूँह किया उन्होंने, फिर पिठ भवा ली उन्होंने। वह कहिंदे सच्चे पातशाह मैं गुनाहगार हाँ, मैनू बख्श लो, मैं पापी हाँ, मैं औगनहार हाँ, मेरे ते रहमत करो। पर सच्चे पातशाह मैनू पता है तुसी किस गलों नाराज हो, मैथों थोड़ा बेअदबी जिहड़ी है वह देखी नहीं गई, वह सिख कादा जिन्हें गुरु की बेअदबी देख ली। तो गुरु अंगद देव जी गुरु अमरदास जी नूं कहन लगे, तुसी यह काम बहुत माड़ा किया, जिहड़ा तपे नूं मरवा दिता, उन्हूं मरवाना नहीं चाहिदा सी, आपे उन्हें अपनी सजा भुगत लैनी सी। सच्चे पातशाह ये मेरे वस की गल नहीं रही, जे मेरा भी अंग अंग कट्टिया जाए, मेरा भी अंग अंग तुसीं तोड़ दिओ, तोड़वा दिओ, वह मैनूं मंजूर है, लेकिन मैं अपने गुरु का निरादर जिहड़ा है वह नहीं चल सकता। क्योंकि संतां दा नाल दुश्मनी कमाउण वाला संसार है, संतां नाल वैर कमावदे दुष्टां नाल मोह प्यार, अगे पिछे सुख नहीं मर जम्मे वारो वार। उन्हां नूं सुख नहीं हो सकता क्योंकि संतां नाल वैर कमा रहे ने, संतां नाल दुश्मनी कमा रहे ने,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਤੂੰ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਸਾਥੋਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ ਹੀ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੈ, ਵੇਖਿਓ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿਰਜਾਸ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ, ਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਤੂ ਸਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾਓਗੇ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਡੋਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਭਰੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਈਏ, ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ, ਜੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੂਜੀ ਉਹ ਵਸਤੂ ਸਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ? ਨਾਮ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਸਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇਗੀ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਵੇਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਕਾਮ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਨਾ ਲੋਭ, ਨਾ ਮੋਹ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੜ ਵੀ ਲਾਓਗੇ, ਉੱਗੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਪੁੰਗਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਤਾਂ ਘਟਣ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਹੀ ਬਣੇਰ ਦਾਸ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਈਗੋ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜਨਮ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਤਰ ਤੱਕ ਆਖਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਝੋਲੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰ ਰਹਿ ਗਈ ਬਾਕੀ, ਝੋਲੀ ਛੋਟੀ ਹੈ।
ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਦਊਂਗਾ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁੱਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੈ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੰਗ ਸਹੀ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਦੇਈਏ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਉਹ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਝੋਲੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇਉਂ ਕਰੋ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਕੂੜ ਕਮਾਣ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕੂੜ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੂੜਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਕਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਮਾਇੰਡ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਕਮਾਣਾ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਓ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਓ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਦੇਖੋ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਵੱਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਂਦੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹਾਣ ਪਿਆਰਾ ਜਾਂ ਹਾਣ ਨੂੰ ਹਾਣ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜੈਸੀ ਉਮਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ 1-2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 6ਵੀਂ ਦੇ 7ਵੀਂ ਦੇ 8ਵੀਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ 10ਵੀਂ ਦਾ ਬੱਚਾ 5ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਮਮਤਾ ਦੇਣੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਓਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਓ ਨਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਲੀਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰ ਹੈ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੋ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਚੀਕ ਪੁਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੰਟਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੜਕੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ
क्योंकि जोड़ा साधु है वो अंदर एक दया भरी हुई है महाराज ने, वो अंदर एक वो दयालता है जी आम लोगों के अंदर नहीं होंगी। उन्होंने तो चीक सुनी नहीं गई, वह वेसवा के दरवाजे पर खड़ गए, कुंडा खड़काया, वेसवा अंदर आई, कहने हाँ बाबा की गल है, संतान नरादर ही चलना पै, किसी ने खंड नहीं पाई उन्होंने, किसी ने सत्कार नहीं दिता उन्होंने, किसी ने मिठी आवाज नाल नहीं बुलाया उन्होंने, संसार का जड़ा ताकी कहोंगे उन्होंने जो तरीका है वो एको ही है कि उन्होंने माड़े तो माड़ा व्यवहार जड़ा संतान के नाल हुंदा है। वो बीबी आई, मंदा चंगा बोलिया, वो कहती बाबा तू जा, तू असी संसारी हाँ, तू रब दे नाल मिलिया होया, रब की गल कर, देख लिया भी बुढ़ा व्यक्ति है, रब रब ही करता होना, सो कहने तू जा, तेरा इत्थे कोई तालक नहीं। कहते बीबी फिर भी क्यों आवाज आ रही है, कहती वो मेरी जड़ी रखी हुई आया है ना, उन्होंने मैं कहा सी कि सुरमा बरीक कर दे, उन्हें सुरमा रगड़िया लेकिन उन्हें मोटा रख दिता, जो मैं अखा च पानी पाया तो पानी आ गया, तो मेरी सारी जड़ी सुंदरता सी वो खराब हो गई, इस करके कहने उन्हें मार पई है। तो बाबा फरीद जी बड़े हैरान होए, कहते इस गल पिछे वो इन्नी मार पई, वो थोड़ी दूर आके ध्यान च बैठ गए, उन्होंने वेख्या कि यह अखा तो चलिया जानिया, एक दिन रहनिया ही नहीं, चलो कुछ समा लंघ गया, पाँच सात दस महीने लंघे, साल लंघ गया, फिर एक दिन कब्रस्तान दे अगों जा रहे सन तो उत्थे एक जड़ा पिंजर सी, हड्डियां दा पिंजर पिया सी, ते अखां दे विच चिड़िया ने आलने पाए हुए सन, वो चिड़िया दे आलनिया दे विच छोटे छोटे चिड़िया दे बच्चे भी सन, ते बाबा फरीद जी जाते जाते वो रुक गए, वो उत्थे नाल उन्हां दे होर भी सेवक सन, वो कहन लगे बाबा जी इत्थे क्यों रुक गए, कहिंदे इत्थे कोई गल है, ध्यान लाया समाधि च चले गए, देखिया ये तो उही वेसवा है, उस वेसवा का पिंजर है, तो उत्थे उन्होंने वचन किया, जिन फरीद जिन लोयन जग मोहिया, से लोयन मैं डिठ, कज्जल रेख न सेंदिया, से पंखी सुए बहिठ। कहने वो कज्जल दी रेखा सहनिया नहीं सी, उन्हां च पंछी सूए बैठे है, बहिठ दा मतलब बैठे हन, पंछी सूए पे है, चिड़िया ने बच्चे दिते हुए है, ये उही अखा ने जिन्ना पिछे एक बीबी नू हंटर दे नाल कुटिया जा रहा सी, जिन्ना पिछे एक बीबी दा दुर्गत हो रही सी। सो यह है संसार दी रीत कि रहना इत्थे कुछ भी नहीं, उस बनौटी सुंदरता दी खातर असी पता नहीं संसार ते की कुछ करदे आ। सो महाराज कहंदे ने होए आना करे कम, आन न सके रास, जे एक अद चंगी करे दूजी पीवे रास। जे न्याणा कोई काम बाई चांस चंगा हो जाता उहदे तों तां दूजा माड़ा कर देगा, सारे काम चंगे नहीं हुंदे कि जिन्ने काम उहनूं फड़ाते उन्हें ठीक कर देने आ, जे एक खड़ौना उन्हें जोड़ दिता तो चार तोड़ देने आ। इवें जिहड़ा अग्ञानी व्यक्ति है उन्हें जे एक काम चंगा कर भी लिया तो दस माड़े कर देने आ, उन्हूं पता नहीं, वह किसी साधु की संगत च आया नहीं, कदों भला होएगा जदों साधु की संगत च आएगा, जो साधु की संगत ही उहदा बेड़ा पार करेगी। चाकर लगे चाकरी, जे चले खसमे पाए। चाकर कहने ता चाकरी कर सकता है जे अपने सतगुर की इच्छा के मुताबिक चलता है, वह चाकरी है, वह चाकरी है जिहड़ी उहदी इच्छा के मुताबिक चलता है। एक हादसे जे वाली गल है, एक गुरु ते शिष्य का
मेल होया, शिष्य आके कहन लग्या पातशाह मैनू नाम दिओ। उन्होंने नाम दे दिता कि चलो मेरे को रहूगा, कोई मैनू भी सुख हो जाएगा। तो रात का समा पो, माघ दी रातां सन, बारिश बाहर हो रही सी। उन्हें कहा कि राम नाल सौं गया चेला, चेले का काम है गुरु का हुक्म मनना, इनू अज ही मैं क्यों ना सिखावा कि हुक्म किवें मनीदा है। वह कह लग्या चेले, कहिंदा हाँ गुरु जी, कहिंदे बाहर मैनू लगदा मीह आया जा, देखा जरा। तो थोड़ा जा रजाई परे करके देखा, एक बिल्ली फिरदी सी भिजी हुई। कहिंदे महाराज हाँ बाहर मीह पै रहा, कहिंदे तैनू की पता अंदर बैठे नू बिस्तरे च, कहिंदे बिल्ली भिजी आई है। उन्हें आखिर निकल गया इस गल चो। कहिंदे सज्जना गल ये है पुत्र, जिहड़े कमरे च आप पए आ ना, इहदे सज्जे वाले पासे एक मोरी है, जे मीह ज़्यादा आ गया ना तो मोरी चो पानी थले आन लग जाना, तो अपनी रात बेरामी दी हो जानी है। जा मेरा शेर उत्थे जाके मिट्टी पा के आ, तो मोरी बंद करिया। हुण ओह किवें निकले? गुरु का चेला तो बने, चाकरी तो करनी है, पर हुक्म बजाउणा बड़ा औखा लग्या। कहिंदा वाह गुरु जी, तुसी थले मैं उत्ते। इस गल चो निकल गया कि तुसी थले पए हो, मैं छत ते किवें चढ़ सकदा, थोड़ा निरादर है। गुरु चुप कर गए। उन्होंने वेख्या भी मनाउणा इहनू जरूर, अज मैं इहनू हुक्म मनण लाउण सिखाउणा है। वह कहिंदे चेले, कहिंदे हाँ गुरु जी, कहिंदे कल शाम नू रात एक सज्जन आया सी, खीर दा छन्ना लै के आया सी, अपने कोल कहिंदा कोई साधन है इहनू बचा सकीए, वह खराब ना हो जाए, बिल्ली भी तुरी फिरदी है कि खा ना जाए, जा मेरा शेर वह खीर खाया तो अपना जरा फिक्र है वह मुक् जाएगा। उस वेले उन्हें रजाई परे मारी, सच्चे पातशाह तीजा हुक्म नहीं मोड़ दे। ये है संसारी चाकरी का अर्थ, कि जदों खाण पीण की वस्तु अगे आई असी इस हुक्म नहीं मोड़िया, जदों कोई काम करन दा काम आया उदों असी गुरु की उलंघना कर दिती। वो कहिंदे ये जिहड़ी गल है, चाकर लगे चाकरी जे चले खसम है पाए, जे खसम दे इच्छा दे मुताबक चलता है तां ही उहदी चाकरी है, एवें चाकरी व्यर्थ है। हुरमत तिसनो अगली, ओ वजो पीदूणा खाए। हुरमत हुंदा मान सन्मान, अगली हुंदा बहुत ज़्यादा, कहने उन्हों मान सन्मान भी बहुत मिलता है गुरु दरबार चो। वह वजो भी दूणा खाए, वजो हुंदा जिहड़े थोड़े जे पैसे मिलने हुंदे आ, भी तू भाई इन्नी सेवा करदे चल आ तू बाल बच्चे नू खवा दी, थोड़ा जिहा गुरु घर दे विचों वजो तनखाह दित्ती जांदी आ। कहिंदे उहदे नालों भी दूणा खांदा जे हुक्म मनदा, तां जे उहनू 10 रुपये महाराज ने देने कीते होए आ उह खुशी चा के 20 रुपये दे दिंदे आ, कहिंदे जा बच्चिआं नू भी जा के मिठाई खवा। जे 100 रुपया दिंदा वह 200 रुपया दे दिंदा, कहिंदे जा बाल बच्चे नू भी जाके खवा। वजो भी दूणा खाए, क्यों? उन्हें हुक्म मनिया सतगुर का। सतगुर का हुक्म मनना सब तो वड्डी चाकरी है। खसमे करे बराबरी, फिर गैरत अंदर पाए। जे खसम दे नाल बराबरी करदा है उदों तां कर गया, गर्मी गर्मी च कर गया बराबरी, मंदा चंगा बोल गया, लेकिन मगरों गैरत दे विच डुबदा जा रहा है, शर्म दे विच डुबदा जा रहा है कि हुण मैनूं टिकाणा नहीं लभ रहा, मैं कित्थे जावां। खसम उम्र च वड्डा भी हो सकदा है, गुरु भी हो सकदा है, बाप भी हो सकदा है, कोई भी हो सकदा है। पहलां असीं माड़ा बोले, बहुत माड़ा बोले, मगरों असी गैरत करते जाने, लुकते जा रहे हैं। असी आप तो बोले बोले चार होर नाल ला ले, तुसी भी बोलो मेरे मगर, वह भी बोलन लग गए, सब ने रल के डट के बेइज्जती करती, कुछ नहीं होया, उहदा कुछ नहीं बिगड़िया, गैरत दे विचों डुब्या जा रहा है, शर्म दे विचों डुब्या जा रहा। वजो गवाए अगला, मुहे मोह पाना खाए। फिर उन्हें की कीता, गैरत दे अंदर तो डुब्या जा रहा, माड़ा बोल गया, जो उन्हें मिलना सी ना, जो उन्हें दात मिलती सी, लो भी ये ते खुश हो गए, दे दो 10,000 रुपया, यदि प्रसन्नता आई दे दो 20,000 रुपया, वह भी गुआ लिया उन्हें। वह निरादर के घाट पर भी आ गया, वह अपना जो मिलता वजो सी वह भी उन्हें गुआ ली। जे हुक्म मनदा तो वजो दूनी हो जानी सी, जे नहीं मनिया वह प्राणी भी गुआ ली। फिर की खटिया?
की खटिया, संसार भी गया निरंकार भी गया, रब भी गया ते संसार भी गया, बिल्कुल हल्का हो गया। तो वह कहिंदे जिहड़ा इहो जिहा व्यक्ति है उन्हें अपनी बेड़ी दे विच लखां ही छेक कर ले। वह कहिंदा कि इहदी छेक ना कर, इहदे छेक बंद कर दे सच्चा पातशाह, जो है इन्हें करता ये न्याणा सी, तू ये ते दया मेहर कर। लेकिन वह कहिंदा नहीं, ये सजा का अधिकारी है, इन्हू मिलेगा। वजो गवाए अगला मुहो मुँह पाना खाए, जिस दा दिता खावना तिस कही ऐसा बास। कहते जेड़ा तेरे मुँह च दो बुरकियां पाउंदा है, जेड़ा तेरे मुँह च कोई मिठा थंदा पाउंदा है, तेरा सन्मान करदा है कि मैं ना खावा मेरे बच्चे नू मिल जावे, मैं ना खावा मेरे सेवक नू मिल जावे, मैं ना खावा मेरे चाकर नू मिल जावे, जेड़ा ये कहंदा है तू उदू साबास कह, उदी उस्तत कर, उदा तन तन कर कि तन है मेरा पिता, तन है मेरा गुरु, तन है मेरे वड्डे, जेड़े मेरा इन्ना ख्याल करदे ने कि मेरे मुँह दे विच जावे, अपने मुँह चो कढ के भी मेरे च पाउंदे ने। नानक हुकम ना चलई नाल खसम चले अर दास, नानक हुकम ना चलई नाल खसम चले अर दास। सो महाराज कहंदे ने कि ए जीव उहदे नाल हुकम नहीं चलना, जे बनेगी तो अरदास ही बनेगी, तो उहदे दरबार च आ अरदास कर, जोदड़ी कर, मिन्नत कर, कर मिन्नत कर जोदड़ी, मैं तेरे दरवाजे ते मिन्नतां करदा हाँ, जोदड़ियां करदा हाँ, अरदासां करदा हाँ, सच्चे पातशाह मैनू अपने चरणा दे नाल ला लो, बस यही मेरी बेनती है। अरदास तां मन भी लएगा, जोदड़ी तां मन भी लएगा, जे अखां लाल करके उहदे सामने आओगे, जे गुस्से दे नाल उहदे सामने आओगे, उह कहिंदा मेरा की विगाड़ लेंगा, करी जा अखां लाल, क्योंकि जदों जिहड़ी काढ़नी रखदे आ ना अग दे उत्ते, सब तो पहला उहदे अपने कंडे सड़दे आ, जदों कोई चीज़ उबलती है ना, सब तो पहला हांडी जिहड़ी आ उह सड़ जाती है, उहदे किनारे सड़ जाते हैं। असी तो जदों दुध पीवांगे उदों ही है ना ठंडा भी कर लाँगे, लेकिन काढ़नी दे किनारे जिहड़े आ उह सड़ जाते हैं। तो व्यक्ति जिहड़ा अखां कढ के आउंदा है उहनू इह नहीं पता कि काठ दी हांडी बार बार नहीं चढ़दी, एक बारी चढ़ गई सो चढ़ गई, मुड़ के की करेगा, सड़ गई उह। सो गुरु दरबार दे विच असी अपने आप नू संभालना है, अपने आप नू बचाउणा है कि मैं किवें गुरु दरबार की खुशी लै सकदा हाँ, किवें गुरु दरबार दे विच आ के मैं तरक्की पा सकदा हाँ, नाम की बख्शिश हो सकती है। जिन्ना चिर अंदर धोया तो नहीं, साधु कहिंदा आ तैनू मैं नाम देवा, पर वह कहिंदा भी गल सुन सज्जना बैठ, तेरे हिरदे च मैं नाम पाउणा, तू मास मीट तो नहीं खांदा। वह कहिंदा महाराज जी इहदा कि इहदे तो ताकत ही बड़ी है, वह ज्ञान देन लग जांदा संतां नू, इहदे च तो ताकत बड़ी है, इहदा इउं इहदे च विटामिन बड़े आ। वह कहिंदा तू दारू भी पी लैना, उहदे नाल की हुंदा जी, उह तां आए आ बोझ लै जांदा, बड़ियां गल्लां करदा। वह कहिंदे जा, तू अधिकारी नहीं, तू नाम दा अधिकारी नहीं, अपना जन्म गवा के चला जांदा है, क्योंकि गुरु नू शिक्षा देनी खसम दे नाल हुक्म नहीं चलदा, अरदास चलती है। तुसी हुक्म सुना रहे हो, उहनू ज्ञान दे रहे हो कि इहदे च आ है, इहदे च आ है, इहदे च आ है, उह कहिंदे इहदे च कुछ भी नहीं, जे तू नाम लैणा है तू फिर आई मैं तैनूं दसूंगा नाम किवें मिलदा, इदां नहीं मिलदा। सो गुरु दरबार दे विच आ के असी मालक नू सिमरन करना है, बेनती करनी है, अरदास करनी है, जोदड़ी करनी है, सच्चे पातशाह मैनू अपने चरणा दे नाल लाई। सो अज महाराज का पूर्व संध्या का सत्संग है, सब संगतां नू एक बार फिर बहुत बहुत वधाई होवे। कल नू सोमवार का दिन है, 4 जेठ 17 मई 2021 गुरु महाराज का
भंडारे का सत्संग होएगा। सब संगतां नूं निवेदन है, बेनती है कि वो इस तरह ही यूट्यूब ते सत्संग सुनन, जिस जिवें सानू हालात ने मजबूर किया है असी उवें बैठे हाँ, क्योंकि दूसरा चरण चल रहा है। कहिंदे आ बड़ा खतरनाक है, तो चंगा है कि असी अपने दोवें चरण घर के अंदर ही रखीए, गुरु महाराज के दरबार च ही रखीए, होर किते नहीं जाना। सो बहुत बहुत धन्यवाद। राधा स्वामी, राधा स्वामी।